हाशिम से ये बात कर रहा हूँ, असल में क्यूरी भी आई थी, मैं mint.com पर रिसर्च प्रोजेक्ट में था, तो पर बेस बिटर साहब की क्यूरी आई थी, इन्होंने हमारा प्रोजेक्ट लाइक किया है, क्लिप टेस्टर जो पीछे ने कहा था कि नहीं सर इंस्टॉल कर जी 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 तो आप कहाँ से होंगे प्रोग्रेस साहब? अच्छा ऑफिस में सही है, तो प्रवेश साहब को देखना चाहिए थे ब्रेस्ट के लिए, तो सर हमारा ये काम है कि हमारे पास जैसे कोई कोई भी आगे नाम असिस्टेंट के लिए भी आगे कॉल करते हो आपको किस मतलब रेंज में चाहिए, किस उसमें बजट में चाहिए वाले जी जी तो मैं 5 बजे तक कर लूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अगेन एक क्लिफ विस्टा का अपडेटेड जो प्रोजेक्ट की कंडीशन है उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाने का किया है। आप देखें ये जो प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा मैं उन व्यूअर्स को बता दूं जो पहली दफ़ा देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में बेसिकली ये प्रोजेक्ट बन रहा है मीन अलादीन पार्क के साथ, और तमाम के तमाम अपार्टमेंट 2000 स्क्वायर फीट के हैं। इट्स मीन के सारे लग्जरी अपार्टमेंट हैं। अच्छा, इसकी फर्दर डिटेल देने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि इसकी पेमेंट की डिटेल और तमाम डिस्काउंटेड से रिलेटेड चीज़ें मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा। इसमें मैं आपको मॉडल अपार्टमेंट में दिखाऊँगा कि मॉडल में बेसिकली जो आर्किटेक्ट ने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, कि इसके रूम साइज़, ड्राइंग रूम साइज़, बेडरूम साइज़, तमाम चीज़ें क्या होंगी। पहले मैं सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको दे दूँ कि ये ब्लॉक 10A गुलशन इकबाल में है, राशिद मिनाज रोड से एक लिंक रोड इसका कनेक्ट किया बिल्डर ने अलग से, ठीक है। और राशिद मिनाज रोड का सबसे हाई राइज बिल्डिंग यही है, ठीक है, क्लिफ विस्टा। अच्छा, मेरे पास चूँकि इसके कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स वाले यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको एक मार्केट प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वजह यह है कि मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे लीगल और ऑथेंटिक होते हैं और लीज प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा, मैं अगर इधर का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देख तो दूँ तो देखें आप, यहाँ सारे बैंगलोर बने हुए हैं, इसका मतलब यहाँ हाई राइज बिल्डिंग कोई और नहीं, कोई भी हाई राइज का ऑप्शन नहीं आना है यहाँ पे। जितने भी बिल्डिंग्स हैं सारे जो है एक नॉर्मल कंडीशन में बने हुए हैं, ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट टाइप का कोई नहीं है, ठीक है। इसका बिल्कुल बैक साइड पर अगर आप देखें तो मदीना ब्लासिंग है, ठीक है, शायद आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। प्राइस वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ है, 3 साल के इंस्टॉलमेंट पर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 के अक्टूबर में ये पोजीशन की तरफ जा रही है, ठीक है, टावर ABCDE, ठीक है। पहला टावर जो है वो तकरीबन है आपका 14 फ्लोर का, दूसरा 16 का, और थर्ड फोर एंड फिफ्थ जो है मतलब 5 टावर हैं इसके अंदर, वो 20 फ्लोर के हैं, जो कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग इस टेरिटरी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं अभी आपको फर्दर लेकर चलता हूँ, इसमें जो मॉडल अपार्टमेंट इन्होंने बनाए हुए, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ, ऐसे पिछले वीडियो में मैंने दिखाई थे, ठीक है, अभी भी आप देख लें। अभी इसके प्राइस ऊपर चली गए, पहले ये 1,87,00,000 रुपये का था, अभी ये 2.2 का चला गया, बट मेरे पास कुछ डिस्काउंटेड यूनिट अवेलेबल है, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको एक अच्छी प्राइस ऑफर दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसकी फर्दर डिटेल के हवाले से, इसके मॉडल अपार्टमेंट के हवाले से। अच्छा व्यूअर, ये अब हम आ गए हैं इसके मॉडल अपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू और देता हूँ। अच्छा, ये इन्होंने एक मेड रूम दिया है, सबसे पहले गेट से एंटर होते साथ ही, आप इसको मेड रूम कह लें, मिनी ऑफिस कह लें, जो अभी कोविड के मामला और चीज़ों में चल रहे हैं, ठीक है। और ये एक इन्होंने स्टोर रूम दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है, कि आपकी जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो आप यहीं पर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। शोरूम के साथ ही जो कनेक्ट है वो है आपका मेड रूम, ठीक है, स्टडी रूम, आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है कि आप इसको मेड रूम बनाते हैं तो आपकी टेरिटरी में जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर कोई इंटर नहीं हो सकता। इनिशियली इन्होंने बिल्कुल शुरू में ये चीज़ें दे दी हैं। अच्छा, मेड रूम के साथ इन्होंने इसके साथ ये पाउडर रूम यानी वॉशरूम दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपके इंटरनली जो एरियाज़ है आपका मैड या आपके जो भी गेस्ट आते हैं वो एक नॉर्मल कॉमन जो जिसे हम कह सकते हैं वॉशरूम है ये। इसी के साथ ये कनेक्टेड इसका ड्राइंग रूम है, ठीक है। अच्छा, आर्किटेक्ट ने बड़ा ज़बरदस्त इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये चूँकि एक मॉडल है और ये सेमी फर्निश अपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो मीन्स आपको ये चीज़ें मिलेंगी वो बिल्डर कंडीशन में ही मिलेंगी, बट 2000 स्क्वायर फिट के एरिए के हिसाब से इस टेरिटरी के अंदर इस प्राइस पे चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है।
अभी अगर मैं आपको लेकर चलूँ इसके ड्राइंग रूम, चूँकि मैंने अभी आपको दिखा दिया, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसके टीवी लाउंज की तरफ। इसके साथ ही ये कनेक्टेड है इसका किचन, अब आप किचन को देख लें, किचन जिस कंडीशन में है। टाइल्स वगैरह तो शायद लगा के दे रहे हैं या स्लेब भी लगा के दे रहे हैं, बट कैबिनेट्स और तमाम चीज़ें आपने ख़ुद ही लगवानी है, ठीक है। एरिया काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने किचन के लिए, जिस तरीके से किचन होना चाहिए। एक छोटा सा नहीं बनाया इन्होंने ऑप्शन, डाइनिंग का एरिया इन्होंने रख दिया है कि आप अपना खाना पीना जो भी है बिल्कुल किचन के साथ ही कनेक्टेड होते हुए चीज़ों को मेंटेन कर लें। अच्छा, ये आपका आ जाएगा चूँकि टीवी लाउंज का एरिया, ठीक है। आगे इन्होंने एक बालकनी दी हुई है, डोर दिया हुआ है कि आप बाहर साइड पर भी आपको हवादार कमरा आपका रहेगा, और चीज़ें अच्छी दी है इन्होंने। ये इन्होंने एक आर्किटेक्ट ने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया, बट आप अगर चाहें तो इस टाइप की चीज़ें आप भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेडरूम, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने एक किड्स रूम के तौर पे चीज़ें जो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है किड्स रूम के लिए, ठीक है। इसके साथ इन्होंने अटैच बाथरूम रखा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका पहला रूम हो गया इस अपार्टमेंट का, ठीक है, जो इन्होंने किड्स रूम के तौर पे इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये कैबिनेट्स वगैरह की चीज़ें इन्होंने रख दी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे बेडरूम की तरफ, जो बिल्कुल के सामने आपको डोर दिख रहा है। अच्छा, ये मैं सेकेंड बेडरूम में दाखिल हो रहा हूँ, ठीक है। ये इसका सेकेंड बेडरूम है, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रोजेक्ट 2023 में डिलीवर्ड होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी भी गुलशन के ब्लॉक 10 के प्राइस के हिसाब से ये महंगा नहीं है, बट आप फिर भी 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे ये अवेल कर सकते हैं। ये इसका दूसरा बेडरूम का मैंने दिखाया आपको, इसके साथ साथ इसका वॉर्डर रूम है, मतलब वॉशरूम है, ठीक है। आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा, अब बहुत खुलादार उन्होंने बनाया है। बेसिकली छोटे छोटे डब्बे नहीं बनाए, क्योंकि वजह यह है कि इसका स्क्वायर फीट का एरिया ही 2000 स्क्वायर फीट का है, और जो इसकी डेडिकेटेड पार्किंग है वो 400 स्क्वायर यार्ड के लैंड के ऊपर है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 400 स्क्वायर फीट वो और 2000 ये, मतलब 2400 स्क्वायर फीट का आपको बेसिकली चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ये इसका मास्टर बेडरूम है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम इन्होंने वाकई मास्टर बेडरूम के साइजिंग के हिसाब से रखा, आर्किटेक्ट ने डिज़ाइनिंग के हिसाब से। अच्छा, मैं अब आपको इसका वॉशरूम दिखाऊं, तो इसका वॉशरूम भी इन्होंने बड़ा खुला हवादार और बड़े साइज़ पे बनाया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, बाहर इन्होंने 3 जो है ना बालकनी रखी है, ठीक है, मतलब आपका अपार्टमेंट हवादार रहे, ठीक है, हर रूम में। अच्छा, ये देखें आप, ये इन्होंने खुला डुला सा बिल्कुल ऑप्शन रखा हुआ है शाम के टाइम। आ चुके मैं एक ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ, ठीक है। जब आप ऊपर होंगे तो डेफिनेटली आपको हवा का क्राउड ईस्ट वेस्ट कोई भी एंगल से हो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। उसकी वजह यह है कि प्रोजेक्ट चूँकि हाई राइज के ऑप्शन के ऊपर है, ठीक है, मतलब सामने इसके ग्राउंड प्लस 2 या ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग है, ठीक है, तो व्यू के और हवा के हिसाब से बिल्कुल खुला डुला है। अच्छा, इसके सबसे बेनिफिट जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, मतलब अच्छी चीज़ जिसे कह सकते हैं, कि इन्होंने टावर के दरमियान तकरीबन 12 से 18 इस स्क्वायर फिट का डिस्टेंस रखा हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि एक टावर से दूसरा टावर कनेक्टेड है बिल्कुल लगा के इन्होंने खड़ी की हुई, ऐसा नहीं है, ठीक है। हवा और धूप और तमाम चीज़ें एक टावर से दूसरे टावर में जो सामने उसके अपार्टमेंट है या व्यू के हिसाब से देखें तो वो चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं अच्छा, चूँकि ये ए और बी आप टावर देख रहे हैं, इसके पीछे सी डी ई है। डी ई तो कम्प्लीट हो चुका है, सी में थोड़ा सा ग्रे स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, बट वो भी 2023 के अक्टूबर तक डिलीवर्ड हो जाएगी चीज़ें, जो इन्होंने काम माशाल्लाह बड़े तेज़ी से खींच के रखा हुआ है। अच्छा, अगेन मैं ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और दोस्तों से भी शेयर करें। और सेकंड थिंग ये है कि मेरे पास कुछ, अगेन मैं ये कहूँगा कि डिस्काउंटेड यूनिट्स अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट करें इन नंबर पर और यूनिट मुझसे लें अच्छे प्राइस के ऊपर। वैसे मार्केट इसकी 2.2 करोड़ की जा चुकी है, ठीक है, मेरे पास कुछ यूनिट्स हैं अच्छे प्राइस के ऊपर, और अगर आपका कोई प्लान बनता है तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ, अगेन मैं आपको ओवरव्यू हल्का सा इसका दे दूँ प्रोजेक्ट के हवाले से, ठीक है। चीज़ बहुत प्यारी बना रहा है, ठीक है, अच्छे प्राइस के ऊपर है। इस प्राइस में गुलशन ब्लॉक 2 के अंदर अपार्टमेंट इस प्राइस पर और विथ 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पर पॉसिबल नहीं है। तो भाइयों, कॉल करें और
यूनिट रिज़र्व करवाएं, क्योंकि मेरे पास जो डिस्काउंटेड यूनिट्स हैं वो भी चूँकि ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, तो पहले आइए, पहले पाइए कि सर्विसेज यहाँ अभी चल रही हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, इस नंबर पर कॉल करें और यूनिट रिज़र्व करवाएं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।